भैया, और आज अपन बात करने वाले हैं जिपमर 2018 एग्जाम के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे। एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, पुडुचेरी इसका जो कॉलेज है वहाँ है तमिलनाडु में। तो जिसने इस फॉर्म को नहीं भरा है तो प्लीज़ फॉर्म भर देना, और आपको डेडलाइंस वगैरह सब इस वीडियो में पता चल जाएंगे। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और एक ऑफिशियल नोटिस जो अभी कल परसों जारी हुआ है ऑफिशियल कॉलेज की तरफ से, उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलो तो फिर फटाफट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को मैंने कंपाइल कर दिया एक जगह। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च से निकलना स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज़ भर देना। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 13 अप्रैल, अभी टाइम बचा हुआ है, 5 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी टाइम है, काफ़ी दिन बचे हुए हैं, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी ताकि किसी भी बच्चे ने यदि फॉर्म गलती से नहीं भरा है तो प्लीज़ भर देना। MBBS एंट्रेंस एग्जाम होता है, आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे 21 मई से 3 जून के बीच में, और क्योंकि आपका जिपमर का जो एग्ज़ाम डेट है वो 3 मई है, ये बात याद रखना। 3 जून को एग्ज़ाम है, सॉरी 3 जून को एग्ज़ाम है, और आपके पास काफ़ी टाइम है पढ़ने के लिए। देखो, नीट के बाद भी आपके पास अराउंड 1 महीना बचेगा, 25 to 27 डेज बचेंगे इस एग्ज़ाम के लिए तैयार करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। एग्ज़ाम पैटर्न फटाफट डील बात करते हैं इसके बारे में। उससे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में। ऑन और बिफोर 20 जून लिख रखा है उन्होंने, मतलब 20 जून तक आपके पास रिजल्ट आ ही जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी 27 से 29 जून के बीच, सेकंड काउंसलिंग 25 जुलाई, थर्ड काउंसलिंग, फाइनल काउंसलिंग 28 सितंबर तक। मतलब आपका स्कोर एक डिसेंट भी रहा तो आपके इस कॉलेज को मिलने के आपके पास काफ़ी प्रोबेबल चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट बात कर लेते हैं जो ऑफिशियल नोटिस MBBS कोर्स 2018 की तरफ से जो हुआ था, जिपमर ने रिलीज़ किया है 7 मार्च को। देखो, प्लेस पुडुचेरी आपको पता ही होगा, उन्होंने भी ये बताया है कि देखो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो रहे हैं 13 अप्रैल को, तो उससे पहले आप प्लीज़ फॉर्म भर देना। 3 जून संडे को इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। और सारी डिटेल्स चाहिए तो मैं उनकी मेन साइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप सब वो वीडियोस उनकी मेन साइट पे जाके और बाकी चीज़ें ऑफिशियल साइट पे जाके आप बाकी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। बट फटाफट बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखो, इसमें क्या है ना, फिजिक्स के 60 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे दो चीज़ एक्स्ट्रा आती हैं, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक कम्प्रीहेंशन, उन दोनों के 10 क्वेश्चन आते हैं। कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 200। टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, आपको 4 मार्क्स करेक्ट करने के मिलते हैं और -1 मिलता है रॉन्ग आंसर करने का। तो रॉन्ग तो क्यों करेंगे, सभी बच्चे करेक्ट ही करेंगे, ठीक है। फिर भी एक एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। और इससे पहले अपन नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्रैश कोर्स जिसने नहीं ज्वाइन किया कर लो, फ्री क्रैश कोर्स है आपका, जल्दी स्टार्ट होने वाला है। यूट्यूब चैनल फ्री, टोटली फ्री, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी नीट प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। जो एडिशनल पार्ट रहेगा लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ फ्री होने वाला है, आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें चैनल। तो इसी उम्मीद के साथ कि सब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी डाउट आएगा तो फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, और फॉर्म फिल कर देना। अच्छा कॉलेज है, रेप्यूटेड कॉलेज है MBBS का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को नीट का एग्जाम अच्छा हो, भी नीट को भी काफ़ी टाइम बचा है, अपन अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो फिर प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप स्टडीइंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।